पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं अब कोरोना की चपेट में कई नेता भी आ चुके हैं, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुखदेव पांसे भी अपना कोरोना टेस्ट कराने बैतूल अस्पताल पहुंचे। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे ने बताया कि वे आए दिन कई लोगों के संपर्क में आते रहते हैं, जिसके चलते वे अपना कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट करने के बाद पांसे ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक काढ़े पर मोदी शिवराज की तस्वीर छापी जा रही है। बीजेपी नेता कोरोना काल में भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मरीज को डॉक्टर ठीक करेगा, नेताओं की फोटो नहीं। वहीं पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे को देख अस्पताल में भर्ती मरीजों ने घटिया भोजन दिए जाने की शिकायत भी की, जिस पर पूर्व मंत्री ने जांच कराने की बात कही। बीमारी से निजात दिलाना है, उसे बीमारी से मुक्ति दिलाना है, और उसके लिए ये झूठी लोकप्रियता या वाहवाही लेना ये बहुत ही निरर्थक है और गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। डॉक्टरों की वजह से मरीज ठीक होता है जी। कोई नेताओं की वजह से मरीज ठीक नहीं होगा। डॉक्टर यदि इलाज अच्छा करेगा तो वही मरीज को ठीक कर सकता है। नेताओं की फोटो देख के मरीज ठीक नहीं होने वाला, तो ये संकीर्णता की विचारधारा है, निम्न मानसिकता है जो सरकार अपने नेताओं की फोटो लगाती है। इसको उपचुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा जो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, और वो सभी मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रही है पैकेट है। देखिए ये गलत बात है। पहली बात तो नेताओं की फोटो दवाइयों पर छपना ही नहीं चाहिए जी, है ना। और ये जो गलत प्रयास उठाने का कर रहे हैं राजनीति को चुनाव के माध्यम से, तो इसको ये गलत फहमी में है, इसका फायदा नहीं मिलने वाला। कोरोना में वैसे ही भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है जी। पहले कोरोना को हल्के में लेते थे मुख्यमंत्री जी, और आज खुद पे ही कोरोना आया तो इसको गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना में फेल हो चुकी है। आज पूरी तरीके से भगवान के भरोसे पे इन्होंने छोड़ दिया है। जब लॉकडाउन करना चाहिए था तो वहाँ उस समय लॉकडाउन खोल दिया गया है, और जब ऐसा यानी बिल्कुल अव्यवस्थित ढंग से ये सारा काम चल रहा है जो अनुचित है। अब तो भगवान के भरोसे पे ही है पूरा आम जनमानस है, और डॉक्टरों के भरोसे पे।